नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर नीलम। आज वट पूर्णिमा है और वट पूर्णिमा पर सभी सुहागने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए इस व्रत को करते हैं। महाभारत काल से ही ये कथा प्रचलित है कि किस प्रकार सती सावित्री ने अपने सत के बल पर, अपने तप के बल पर यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे और बाद में वरदान के रूप में वो सतीत्व को प्राप्त हुई थी, यानी उन्हें सती होने का वरदान मिला था और साथ ही साथ उनके जो पति सत्यवान हैं उनको अपना राजपाट दोबारा से वापस मिला था। तो इस व्रत को करने से, इस व्रत की महिमा बहुत ज़्यादा है। इस व्रत को करने से सभी सुहागने, सभी स्त्रियों को अपने घर में धन धान्य और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और इसका वरदान प्राप्त करती हैं। आज के दिन वट की पूजा करना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। संध्या के समय जब अगर आप वट की पूजा करने जाएं, जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी आज के दिन वट की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पीले रंग का कच्चा सूत जो है, वट के वृक्ष को 7 बार लपेटें, लेकिन उसके साथ ही एक तांबे का टुकड़ा ज़रूर उसमें साथ में बांधें और लपेटें। बहुत ज़्यादा इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, धन धान्य आपके घर में भरा रहेगा। जो स्त्रियां या जो लड़कियां इच्छित वर की कामना करती हैं, किसी को पसंद करती हैं और अपने मन के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से उसे पति के रूप में पाना चाहती हैं, तो आज के दिन वट के वृक्ष पर 9 प्रकार के फूल, 9 प्रकार के फल, 9 प्रकार के नैवेद्य, सुपारी, पान, नारियल, ये सब चढ़ाते हुए वट वृक्ष से अपने माता सती से अपने इच्छित वर को वर के रूप में पाने की कामना करें, उनसे वरदान मांगें। चंदन की लकड़ी लें और उसे सूत में लपेटते हुए वट के इर्द गिर्द लपेटें 7 चक्कर और उसके साथ ही माता सती के मंत्रों का उच्चारण करते रहें, माता सती का ध्यान करें और कामना करें कि आप जिस वर को अपने जीवन में, जिस व्यक्ति को अपने जीवन में वर के रूप में पाना चाहती हैं वो आपका वर बन गया है, आपके घर परिवार वाले उनसे शादी के लिए राज़ी हो गए हैं या जो भी आपकी विवाह में अड़चनें आ रही हैं उन सबको आप प्रार्थना करके रूप में माता सती से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये सब अड़चनें दूर करें और आपकी शादी जो है इच्छित वर के साथ हो जाए। जिन भी पतियों के या जिन भी पत्नियों के पतियों को स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई परेशानी है तो आज के दिन एक मुट्ठी गेहूं जो है वो वट के वृक्ष के ऊपर ज़रूर चढ़ाएं, ज़रूर अर्पित करें, आपके पति के स्वास्थ्य में आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। जो लोग भी वट सावित्री का व्रत करते हैं आज के दिन किसी स्त्री का, किसी सुहागिन स्त्री का अपमान ना करें, अनादर ना करें, चुगली निंदा आज के दिन बिल्कुल भी ना करें और जब चंद्र उदय हो तो चंद्र के दर्शन ज़रूर करें और उससे अपना व्रत खोलें और फिर अपने पति के चरण स्पर्श करें। मुझे उम्मीद है मेरी हमारी ये जानकारी आप सभी व्रतियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी और जो महिलाएँ व्रत करने से चूक गई हैं वो भी संध्या के समय वट वृक्ष की पूजा कर सकती हैं। धन्यवाद। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।